हेलो हाँ प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल है उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की ये पिद्दी वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे आज हम बात करने वाले हैं कैसे अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर निकालना है निखार के लेके आना है क्योंकि आज के जमाने में मुझे लगता है कि बहुत बार हम लोग वैसा प्रिटेंड करते हैं जैसे हम होते नहीं हैं जो बंदा ऑथेंटिक है वो हर एक को अच्छा लगता है एंड वो हर एक को अट्रैक्टिव लगता है वो इसलिए क्योंकि जब हम ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं तो हम डिफरेंट होते हैं क्योंकि अगर हम प्रिटेंड कर रहे हैं किसी और की तरह बनने के लिए तो हम वही चीजें करते हैं जो वो बंदा कर रहा है और जो हमारा असली सेल्फ है वो बाहर निखर के नहीं आता है और पता ही नहीं चलता है कि आप कैसे हैं और आप कैसे नहीं हैं आजकल की दुनिया में जब आपने किसी सोशल मीडिया पे भी अगर आप कोई ऐसा बंदा देखे जो बहुत ही ज्यादा यू नो खुल के बाहर आता है आप अट्रैक्ट होते हैं ऐसे बंदों की तरफ क्योंकि वो बहुत रियल है ऑथेंटिक है वो किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हमें ये सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है बहुत सारी चीजें बट एक्चुअली आप अंदर से कुछ और फील कर रहे होते हैं पर बहुत बार हम चीजें बाहर निकाल नहीं सकते हैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं स्टिल आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है आ, ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल जी पाए इस जिंदगी में अगर आप दब दब के घुट घुट के या किसी की तरह प्रिटेंड कर करके जियेंगे तो अन्ना खुल के रह नहीं पाएंगे क्योंकि जब हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि हम किसी और की तरह है तो अन्ना खुल के हम नहीं आ सकते हैं राइट सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड आज हम मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें सब्सक्रिप्शन बटन वहाँ पे है उसको क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस नहीं करें सो so, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ अपने बारे में और मेरी जिंदगी के बारे में सो आजकल मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है सो दिसंबर आने वाला है और व्लॉग में इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस को प्लान करके रखा है व्लॉग करेंगे डी करेंगे एंड बहुत सारी और चीज़ें भी आज तो जरूर से ट्यून इन करना एंड नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करें आज तो प्लानिंग की है कुछ वीडियोज़ मैंने शूट कर रही हूँ बहुत तो ज़्यादा एक्साइटेड हो एक अलग किस्म की वाइब एंड एक अलग किस्म की एनर्जी आ गई है और मेरी सेहत को लेके अपडेट है कि मेरी सेहत थोड़ी अप डाउन ही चल रही है बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं चल रही जिस दिन मुझे बहुत एनर्जी फील होती है या मुझे नॉर्मल फील होता है वो दिन नहीं है काइंड ऑफ डाउन चल रही हूँ मैं आई थिंक लास्ट वीक मे बी पीक से ज़्यादा हो चुका है अराउंड दस दिन हो गए कि मैं एक दिन सुबह उठी एंड जब मैं कर रही थी ना तो मेरे ये नेक में पेन होना शुरू हो गया वो ऐसा जैसे आप रात को गलत पोजिशन में सो जाते हैं और फिर आप हिल नहीं पाते हैं अपनी यू नो आपकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है गर्दन की वैसा हो गया और कितने दिन तक वो चला और अभी भी पूरी तरह हील नहीं हुआ है एंड uh, मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है देखते हैं उनसे बात करूँगी कि क्या क्यों हो रहा है ये पर या मैंने कुछ ना सप्लीमेंट्स लेने वाली हूँ जो नर्व्स के लिए हेल्प करते हैं

टू एटीन कैरट गोल्ड प्लेटेड, टार्निश प्रूफ है वाटर प्रूफ है बहुत ही ज़्यादा प्यारी एंड रीजनेबल प्राइस पे आपको ज़रूर से ख़रीदना चाहिए एंड मेरे प्यारे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए आ, हमारे पास लैशेज़ भी हैं एंड मेकअप ब्रशेज भी अब वो भी ख़रीद सकते हैं सो so, ये इन्फॉर्मेशन होगी मेरे बारे में एंड अपडेट अबाउट माई लाइफ अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपना अथेंटिक सेल्फ बनना है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली आजकल के ज़माने में सो so, ऑथेंटिसिटी क्या है कि आप पूरा अपना ट्रू सेल्फ बाहर निकालते हैं आप वैसा बिहेव करते हैं जैसे आप असलियत में हैं आ, uh, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन कैसी है आप पे कितना प्रेशर है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुझे ऐसे रिएक्ट करना पड़ेगा या बहुत गुडी गुडी बढ़ना पड़ता है क्योंकि प्रेशर की वजह से या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डज इंट मैटर कि कैसी सिचुएशन है कैसा प्रेशर है आउटसाइड के कोई भी इफेक्ट आपको नहीं करेगा आप फिर भी जो अपनी पर्सनैलिटी के जैसा ही बिहेव करते हैं वो है ऑथेंटिक सेल्फ मुझे लगता है कि आज ऐसा है कि हाई स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में या फिर आपके काम पे या फिर आपके घर परिवार में भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको उस सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है जो कि मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट ही है क्योंकि आप नहीं चाहते किसी और को हर्ट करना या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी जो एक्शन है वो किसी को बुरा फील करा सकते हैं तो आपको अडेप्ट करना चाहिए कि उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करें ये नहीं है कि अपने बिहेवियर के साथ ही रिजेड होकर रहें कि मैं तो ऐसा ही करूँगा अदरवाइज मैं नहीं करूँगा सो अडेप्ट करके बिहेव करना अच्छी बात है पर ये नहीं है कि उनको इम्प्रेस करने के लिए या उनको खुश करने के लिए अपना जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उसको छुप पा के हमेशा यू नो यस मैन बनते रहें या उनको किस चीज़ से खुशी होती है वही आप हमेशा करते रहें अपनी रियल पर्सनैलिटी को लूज नहीं करना है यस uh, yes, उनको भी हमें दुखी नहीं करना है बट सेम टाइम पे आपको वैसा ही बिहेव करना है जैसा आप करना चाहते हैं क्योंकि अदरवाइज आप डीप इन साइड हैप्पी नहीं होंगे अनहैप्पी होंगे और जब आप खुश नहीं होते ना तो सारी सिचुएशन खराब हो जाती है आपके अराउंड एंड uh, आप को कोई भी चीज़ करने में मज़ा नहीं आता आप धीरे धीरे स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं आपको उन लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप अपनी तरह चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ रही हैं सो एंड ऑफ द डे ये ख़राब हो जाएगा अगर आप बिगनिंग में ही ऐसा बिहेव करेंगे स्पेशली वर्क प्लेस पर अगर आप हमेशा किसी की यू नो ओवर वर्क करते रहेंगे और आप बताएंगे नहीं कि आपकी लिमिट क्या है आप नो नहीं कह है सकते हैं तो सब लोग आप ही पे बर्डन डालते रहेंगे सो आप आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी एट सम पॉइंट कि मैं यहाँ तक सह सकता हूँ उसके बाद नहीं सो so, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो एंड ऑफ द डे आप ही को पीस मिलने वाला है ऐसा है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ हैं और आपने सबको बता भी दिया जिनके साथ आपका नया रिश्ता है या नया ऑफिस है या नया स्कूल है या नई क्लास है अब आपको वैसे ही लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको कोई भी चीज प्रटेंड करने की जरूरत नहीं है लाइक नकली चेहरा पहनने की जरूरत नहीं है तो आपका जो स्पार्क है जो आपकी एनर्जी है वो और ज्यादा खुल के आएगी आपको पता है कि जैसे भी आप हैं सब ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है अगर आप शुरुआत में ही प्रटेंड करना शुरू कर देंगे कुछ और नकली सा बनने में फिर कितनी देर तक उस मास्क को लंबा खींच सकते हैं नहीं खींच सकते हैं और बहुत ही ज्यादा you know, डे कर -कर वो बलून फट जाएगा। आप ही पेन में आएंगे। so, जल्दी आप अपने को असेप्ट कर लेते हैं। उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी को फुल फ्लैजली जी सकते हैं क्योंकि आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है आपको वैसा ही बनना है जैसे आप हैं कितना आसान है ना कि वैसे ही रहो जैसे आप हो आपको प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे बोलने के लिए हम बोल देते हैं ऑथेंटिक बन के रहो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर है फैमिली का सर्टन वे से बोलो सर्टन वे से कपड़े पहनो सर्टन पढ़ाई करो ये चीजें करो वो सारी लेयर्स को अपने से उतार के अपना ऑथेंटिक बनना हमको खुद ही भूल जाता है कि हम एक्चुअल में कैसे हैं हमें कौन सी चीजें पसंद है बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम्हें करियर में ये करना है या तुम्हारा ये पाथ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऑथेंटिक आपका क्या है इतनी लेयर्स को बोल के जब आप रियल ऑथेंटिक तक पहुंचते हो अगर आप सम्वान हो जिसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और आप खुल के दुनिया के सामने आते हैं बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज के लिए अगर आप समान ऐसे हैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं आपको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके लिए भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए स्पेशली जिस जगह से हम लोग आते हैं ऑथेंटिक सेल्फ बनना इतना आसान नहीं है बहुत मुश्किल है पर कुोज टू यू जो भी ये लोग कर रहे हैं एंड दूसरी चीज़ है कि कैसे ऑथेंटिक बने हमें नहीं पता है कि कैसे बने इन्ने वडे हो गया इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है हमारी हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए ऑथेंटिक सेल्फ आपके लिए क्या है आप मुझे ज़रूर से बताना अभी ऑथेंटिक होना ऐसा नहीं है कि आप हर सिचुएशन में एक ही तरह रिएक्ट करेंगे अभी जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होते हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं आप कितना गूफी बिहेव करते हैं तो भी आप ऑथेंटिक होते हैं पर आपकी स्कूल में प्रेजेंटेशन है और आप पूरा एक क्लास स्टूडेंट बनके प्रेजेंटेशन देते हैं तब तब आप फेक नहीं हैं है। है, ये भी ऑथेंटिक है, वो भी है। yes, आप ऑथेंटिक है।, है, है आप बहुत सारे करेक्टर प्ले कर सकते हैं ऑथेंटिकली ऐसा नहीं है कि जब आप बहुत बदतमीजी से बिहेव करते हैं तभी आप बहुत चिल्ड्रन ऑथेंटिक हैं आप ग्रेसफुली एलिगेंटली भी आपका तरीका है जो आपको दिल को अच्छा लगता है वैसे बिहेव करके पांच सात तो डिफरेंट करेक्टर्स भी प्ले कर सकते हैं वो भी ऑथेंटिक हो सकता है इट इज कंफ्यूजिंग आप मुझे बताना कि आपके लिए आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है कि जब आप बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं बट अपना बेस्ट एंड हंड्रेड परसेंट देते हैं एंड आपको कोई भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है आपके लिए ऑथेंटिक सेल्फ क्या है और ऑथेंटिक सेल्फ के लिए ये भी है कि जैसे आप आज हैं आप 10 साल पहले वैसे नहीं थे पर यह था कि वो 10 साल पहले भी आप ऑथेंटिक ही थे पर हर टाइम आपकी सिचुएशन एंड आपका सीजन चेंज होता रहता है हर सीजन के साथ आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं यस yes, बहुत सारे लोग क्लोज बन के रहते हैं बंद रह के वो अच्छा नहीं है आपको ओपन रहना चाहिए आपको अपने विचारों को चेंज करने के लिए यू नो बेहतर बनाने के लिए या फिर उनमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए ये नहीं की आपने जो विचार बना लिए हैं हजार साल पहले वही उस पर ही आप रहेंगे सो so, जैसा मैं दस साल की एज में सोचती थी उससे डिफरेंट थी जब मैं ट्वेंटीज में थी अभी से बहुत ज्यादा डिफरेंट मैं सोचती में में मुझे लगता था कि में जो मैं चीजें सोच रही हूँ परफेक्ट है लाइक like, पूरा ऑथेंटिक हूँ मैं बट एक्चुअली नहीं था और अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों के लिए मैं ओपन हूँ बहुत ज्यादा क्लोज विचार थे मेरे बहुत सारी चीजों को लेके अभी बहुत सारे विचार वैसे हैं मेरे पास पर यह है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ओपन हूं एंड बहुत अच्छा फील होता है मुझे कि थैंक गॉड की ये चीजें मैं आंखों से देख पा रही हूं कि मैं पहले कैसे सोचती थी अब कैसे सोचती हूँ सो so, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है या फिर जो आपका ये सोचने का तरीका है वो हमेशा चेंज हो सकता है एज के सीजन के हिसाब से नए नए चीज़ें आपकी आंखों के सामने आएंगे आपके विचार चेंज हो जाएंगे सो so, आपको अपने आप को ओपन करके रखना है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए और या फिर आप बहुत बेहतर हैं पर आप दो चार चीजें उसको उस ऐड करके और ज्यादा स्पाइस आप कर सकते हैं ऑल्सो ओपन रखें अपने आप को नए चीज़ों के लिए एंड अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपने साथ क्वाइट समय स्पेंड करें ना आपको पता चलेगा कि आप कैसी चीजें सोचते हैं आपको कोई और नहीं बता सकता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं आप ही को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं सो so, आपका अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है बहुत बार ये होता है कि हम दोस्तों के साथ पार्टी करने में चिल करने में और पूरा वीक जॉब पे बिजी होते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए और ये जो बाहर का शोर है वो हमें हमारे अंदर की चीज़ें सुनने नहीं देता है हफ्ते में महीने में कुछ दिन आ, में, महीने में कुछ समय ज़रूर से ऐसे निकालें जिसमें आप अपने आप आ, के साथ समय स्पेंड करें एंड सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या हैं आपको क्या चाहिए यू you नो know? ऑथेंटिक तो तभी बनेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं आपको पता होता है कि आपने अच्छा किया है और जब आप कुछ गलत करते हैं आप दुनिया से हाइड कर सकते हैं पर अपने आप से नहीं हाइड कर सकते आपको पता है कि आपने वो चीज अच्छी नहीं की है और जो बंदा ये अपने आप से बातें कर रहा है ना वो है आपका ऑथेंटिक सेल्फ अपने बारे में जानने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं जब आप स्कूल में थे जब आपके रियल यू नो प्यारे प्यारे दोस्त थे स्कूल में और आप कैसे बिहेव करते थे उनके साथ एंड uh, की लाइक्स ही, क्या, आपकी थी क्या आपकी डिसलाइक्स थी कैसा बिहेवियर था मेरे साथ ऐसा था कि मेरे स्कूल में मेरी जो दोस्त थी हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन था कि जब मैं कुछ मेरे मन में सोच रही हूँ और मैं उसकी आंखों की तरफ़ देखूंगी एंड उस समय वो भी वही चीज़ सेम सोच रही होती थी कि ऐसा कनेक्शन था हमारा और जब आप उस फ्रेंडशिप से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं और uh, कोई चीज़ स्पेशली जब मैं चंडीगढ़ में चली गई तो बहुत ज़्यादा ओपन था बहुत लाइक फ्रीडम है घर से दूर रह रहे हैं बच्चे कुछ भी करते हैं लोग और मुझे पता था कि मुझे क्या चीज करनी है मुझे क्या चीज नहीं करनी है और किस चीज़ से मुझे मजा आ रहा है कौन सी चीज मुझे डरा रही है या फिर कौन सी चीज मुझे लग रहा है कि ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ ये बिल्कुल नहीं हूं मैं जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है ना आप अपने नॉर्मल से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चल जा जाता है किस चीज़ से आप हैप्पी हैं एंग्री हैं और को कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो इससे आप जज कर सकते हैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ कि आप एक्चुअल में कैसे हैं और अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं ये भी बहुत अच्छा है अपने बारे में जानने के लिए क्योंकि स्पेशली uh, अगर आप के दोस्त हैं या फिर आपकी फैमिली है जो आपको बताती है कि आप ये चीज़ें करते हैं लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप में ये बहुत अच्छा है तो आप यू नो टेक लेना और नहीं लेना आपके ऊपर है आई डोंट नो ये कितना सही हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बुरा बोल सकते हैं बिकॉज दे आर जेलस और पसंद नहीं करते हैं और या फिर जो आप कर रहे हैं उससे उनको यू नो काइंड ऑफ ग्रज है अगर आपको कोई कहे कि आप बहुत अच्छा कुक करते हैं तो आपको यू नो आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको नहीं पता है अपने बारे में तो आप सोच सकते हो माय गॉड ये मेरे में बहुत अच्छा है या फिर आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो तो ऐसी चीज़ों से आपको आइडिया मिल सकता है कि कैसे हैं आप अगर आप लेना चाहें क्योंकि ट्रू दोस्तियाँ जो आपको कंप्लीमेंट देंगी बहुत कम होने वाले हैं ज़्यादा लोग तो बैश डाउन नहीं करेंगे सो तो आप पे है को पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बट उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या आप में अच्छा है अच्छा ही लेना है हमें बुरा नहीं लेना पर बुरे में भी ऐसा होता है कि जब हमारी बुराई करता है हमें पता होता है कि वो आप है या नहीं आपको सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है जब आपका दिल भी वैसा सोच रहा होता है और दो दूसरा बंदा भी वैसा बोल दे तो आपको लगता है कि यार इसमें सच्चाई तो है सो अब मैं आपके साथ कुछ क्विक से टिप शेयर करती हूँ कि कैसे आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन सकते हैं देन हम इस वीडियो को रैपअप करेंगे सबसे पहला है कि कम्युनिकेट ऑनेस्टली करें क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है आपके रिश्तों में फैमिली में दोस्ती में आपको अगर लगता है कि कोई भी सिचुएशन को बातचीत करनी चाहिए तो उसको दिल में मत रखें बातचीत करके सॉल्व करें चीज़ों को खुल के बातें करें अगर आपको लगता है कि किसी का दिल दुख सकता है तो आप अपने हिसाब से टक टुक के बात करें बट कम्युनिकेट तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार बंदे की दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं जब आप चीज़ों को दिल में रखते हैं या फिर तीसरे बंदे से बात करेंगे तो ये जो पहला बंदा है जिसके बारे में बात है उससे अच्छा नहीं लगेगा सो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें जो भी आपके दिल में है जस्ट सहीट अरे बदतमीज़ मत बन जाए एंड आप देखें कि कैडी सिचुएशन सही है पर यू you नो know, शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को ऑनेस्ट बंदा हमेशा हर एक को अच्छा लगता है अगली है कि एजम्पन्स और जजमेंटल मत बने आ, बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी होती हैं हमें ज्यूम करके बहुत बड़ी कर लेते हैं राई का पहाड़ बना लेते हैं राइट और आ, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं एजम्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा हर एक बंदे को टाइम दे क्योंकि यू नो टाइम लगता है एक दूसरे को जानने के लिए चीज़ों को बेहतर होने के लिए एज्यूम करना बंद कर दे अगर आप इज्यूम करना बंद कर देंगे ना आपकी अद्धी जिंदगी बेहतर हो जाएगी क्योंकि चीज़ें उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम एज्यूम करके उसको बड़ा बना लेते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑथेंटिकली जिंदगी जीने के लिए क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि कैसे आप अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट रखते हुए अपने के लोगों की आप अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखते हैं ये बहुत ही ज्यादा है जरूरी है अच्छी तरह जिंदगी जीने के लिए करियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आपको जरूर से डेवलप करना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप अपने

प्रेशर होगा तो आप चीजें चेंज सो लास्ट पर नॉट द लीस्ट है कि अपनी वैल्यूज एंड बिलीव्स के हिसाब से ही जिए जो बिलीव्स एंड वैल्यूज आपके इनर मोस्ट कॉर्नर में है जिसपे आप पूरा यकीन करते हैं आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उनको चेंज करने के लिए अगर उन, उस, उन वैल्यूज़ से किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन इधर से उधर नहीं हो रही है ना तो आप अपनी वैल्यूज़ पे ही रहें ऑथेंटिक बंदा अपनी वैल्यूज़ को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर देता है स्पेशल एक एग्जांपल देती हूँ अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं कोई भी बंदा आपको इन्फ्लुएंस करे कि चल अल्कोहल पी लै पी लै पी लै आप नहीं चेंज होने वाले हैं क्योंकि आपकी वैल्यूज़ नहीं पीने की हैं सो so, जब आप अपनी वैल्यूज़ को इधर 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 चेंज नहीं करते रहते हैं तो आप ऑथेंटिकली जीते हैं एवरीबडी को पता है कि आप कौन है कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे डिसीज़न लेने पड़ेंगे अपनी वैल्यूज़ को बचा के रखने के लिए पर वो लेटर आप ही की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आप ही की वैल्यूज़ को और ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं सो so, अपनी वैल्यूज़ को मत खोएं जो भी आपकी वैल्यूज़ है आपके कर की आपकी फ़ैमिली की आपके देश की सो so, उसी हिसाब से आपको जीना चाहिए अगर आप उसको मानते हैं डीप इन साइट सो so, यस yes, दोस्तों इसी तरह हमारी ये वीडियो रैप अप होती है आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा आई रियली होप आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन पाएंगे एंड जिंदगी को फुल फ्लैज जी पाएंगे क्योंकि हमें किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ है ना आप दुखी नहीं होंगे लोगों का सोशल मीडिया देख के क्योंकि बहुत बार हम किसी और का देख के दुखी हो जाते हैं किसी कोई बंदा अपनी फ्लैक्स कर रहा है कि मेरे पास ये वाला घर है ये गाड़ी है एंड uh, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं हैप्पी एंड पीसफुल रहेंगे आप अंदर से सो ऑथेंटिकली so, जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के साथ बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगाए तो प्लीज़ कमेंट बार में ज़रूर से बताना एंड अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर जु, जु, से कमेंट छोड़ सकते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें मैं आपको मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ में व्लॉग में इसमें ज़रूर से सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को क्लिक करना एंड से शॉप पे जरूर से जाएँ 25 परसेंट का फ़ायदा उठा लें एंड प्यारी सी ज्वेलरी पहन लें आई लव यू गाइस सो वेरी मच बाय बाय